का हो आरसीबी के अंधभक्त लोग, मियाज ठंडा गई कि औरी गर्मी बचल बा? अगर बचल हो कि तो अगला साल देखा, अब ये साल कुछ होखे वाला नहीं के। हम कहत रही कि विदेशिया पे भरोसा मत करो, मत करो ही विदेशिया पे भरोसा, इस साला एक दिन आरसीबी को ले डूबेगा, और वही हुआ। इतना महंगा प्लेयर रहल मैक्सवेल, वही मैक्सवेल जो अफगानिस्तान के खिलाफ दोहरा शतक मारा था, वो मैक्सवेल एच करो या मरो के मुकाबला में आरसीबी को इतना बड़ा धोखा दे दिया जिसका उम्मीद आरसीबी के फैंस कभी नहीं किए थे। मतलब पिछले मैच में लगा कि मैक्सवेल अब फॉर्म में आ गया है और आज के मैच में कुछ करेगा, जब राजस्थान रॉयल से बदला लेना था उस वक्त आप जीरो पे आउट हो जा रहे हैं। वाह, मतलब सच में बेवफा निकला आरसीबी, बेवफा, हाँ कह सकते हैं बेवफा। यार लास्ट मोमेंट में ऐसा लगा कि 18वें ओवर में जब सिराज ने 2 विकेट लिया वैसे सेट प्लेयर को, रियान प्रयाग और हिटमायर का, तो लगा कि यार मैच फंस गया, अब कुछ भी हो सकता है, हो सकता है कि आरसीबी जीत जाए। लेकिन नहीं, एक कहावत है ना भैया, किस्मत बड़ी कुत्ती चीज होला, साली कबो पलट जाला। ता आरसीबी के किस्मत ना कबो ठीक रहल ना ठीक रही। चलिए जरा थोड़ा सा आज के मैच राजस्थान रॉयल्स और आरसीबी के बीच खेला गया मुकाबला, जिसमें राजस्थान रॉयल्स 19 ओवर में मैच को जीत गई, और भी 4 विकेट से। तो जरा उस मैच पे नज़र डालते हैं। सबसे पहले राजस्थान रॉयल्स टॉस जीत करके फील्डिंग का फैसला लेती है और रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु बैटिंग करने विराट कोहली और हाफ डुप्लेसिस को भेजती है। अच्छा शुरुआत रहल, विराट कोहली 33 बनैले और हाफ डुप्लेसिस 17 पर वापस चल गईले। फिर आवत अड़े कैमरन ग्रीन, कोशिश कैले 27 रन बनैले और वो चल गईले। रजत पतिडार भैया उनकर कामे रहला 30-35-40 रन बनाबे के, उन्होंने अपना काम कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। और आ रहे हैं मैक्सवेल, जी हाँ मैक्सवेल भैया, तोड़े के विदेशिया कहत रही हम, बहुत गंदा धोखा देले बारा तू तमाम आरसीबी के फैंस के, 0 पर आउट हो गई ले। ओकरा बाद आवत अरे लमरोर 32 रन बनैले, सम्मानजनक स्कोर बनावे में अहम भूमिका निभैले आरसीबी के। और उसके बाद दिनेश कार्तिक भैया से तो ये उम्मीदें ना रहा, जरा का फिनिशर कहल जाला, मतलब जब जरूरत ना रहे तो चलत रहा, आ जब जरूरत पड़ल हो और भी करो या मरो के मुकाबला में फ्लॉप। खैर छोड़ा, क्या कर सकते हैं। और बात करें राजस्थान रॉयल्स की, तो जयसवाल भैया आज काफ़ी ज़बरदस्त खेले हैं, 45 रन बनाए हैं और एक अच्छा शुरुआत देकर गए हैं, और फिनिश करने के लिए रियान प्रयाग और सिमरन हेटमायर, मतलब डूबती नैया को किनारे लाने में अहम भूमिका निभाए हैं, और राजस्थान के जीत में सबसे अहम भूमिका निभाने वाले रियान प्रयाग बोले तो चिराग का काम किए हैं। जी हाँ, और पोवेल आकर के मैच फिनिश करके चले गए।